अच्छा, सॉरी फॉर टेक्निकल डिफिकल्टीज। एक्चुअली यार थोड़ा मुझे इंटरनेट में प्रॉब्लम हुआ है, बीच में इंटरप्शन आ रही है, तो सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि डार्ट की वेबसाइट है, तो उसमें चीज़ें हैं कुछ, मतलब सारी आपको बेसिक नॉलेज तो वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है? तो आई थिंक अब आई एम होप कि अब आपको स्क्रीन शेयर हो रही हो वेबसाइट की सही से, ठीक है? तो इसमें देखें, वेबसाइट में ये है, ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है, ठीक है? तो अब मैं ये के स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन, तो इसमें ये है कि बिल्कुल बेसिक से देखिए, आपने वेबसाइट खोली, तो चलो मैं शुरू से ही खोल देता हूँ ताकि आपको भी इजी हो। DAAD, ठीक है? तो ये वेबसाइट है सिंपल, और इसमें आपके पास ही इंटरनेशनल प्रोग्राम्स का टैब आ रहा होता है, तो आपने इसमें क्लिक करना होता है, ठीक है? और इधर से आपके पास देखें अवेलेबल प्रोग्राम लिस्ट है सारी के, 1910 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं फॉर द इनकमिंग सेशन या फिर अगले साल के लिए, तो ये अपडेट होते रहते हैं। अच्छा, तो इसी पे आपने देखना है, तो ये इन्होंने नया डिज़ाइन किया है। वैसे हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, जब मैं अप्लाई कर रहा था, तो वैसे बेसिक्स तो सेम ही है। तो चूज टाइप करें कोर्स, बैचलर्स है, मास्टर्स है, PhD, लैंग्वेज कोर्स, शॉर्ट कोर्स, वट एवर यू वन ऑप्टेन। तो मास्टर्स कोर्स लेट सपोज मैं चूज करता हूँ, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया था, तो आपको लेट सपोज मास्टर स्टडीज के लिए बता देता हूँ। ये आपका मीडियम है, जर्मन लैंग्वेज है कि इंग्लिश है या हाइब्रिड है। कुछ कोर्सेज यहाँ पे फुली इंग्लिश टॉट होते हैं, कुछ लोग यहाँ पे फुली कुछ कोर्सेज यहाँ पे जर्मन टॉट होते हैं फुली, और कुछ हाइब्रिड होते हैं, यानी दे एक्सपेक्ट यू टू लर्न जर्मन A1 या A2 टिल सेमेस्टर सेकेंड या थर्ड। तो यहाँ से आप वो चूज कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे इंग्लिश ओनली कर देता हूँ, तो ये आपका लैंग्वेज कोर्स, और फील्ड ऑफ स्टडी में फिर ये सारी चीजें आ जाती हैं, मतलब इंजीनियरिंग, आर्ट, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लैंग्वेज, कल्चरल साइंसेस, वॉट एवर। तो इंजीनियरिंग चूज करें। देखिए अभी मैंने फिल्टर जिस तरह मैं लगाता जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कोर्स जो मेरी चॉइस है वो कम होती जा रही है। तो पहला मास्टर्स का फिल्टर है, दूसरा इंग्लिश ओनली है, और तीसरा यहाँ पे फिल्टर के बाद देखो, अब यहाँ पे 892 प्रोग्राम्स हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद यहाँ पे सिर्फ 266 प्रोग्राम्स अवेलेबल है, यानी मास्टर्स लेवल पे जो प्योरली इंग्लिश टॉट कोर्सेज है, वो के बाद ब्रैकेट जो है ना, वो 266 प्रोग्राम्स की है। उसके बाद आपने क्लिक कर देना सर्च पे, ठीक है? तो ये बेसिक्स हैं। ये आपके पास नीचे ना एक लेफ्ट पे कीवर्ड और इस तरह के सब्जेक्ट टाइप और भी ज्यादा आपके पास ना सिटी लोकेशन और ये फिल्टर्स आ रहे हैं, मतलब लेफ्ट टैब पे अगर आप इस पे क्लिक करें तो इससे ये है कि आपका सर्च और रिफाइन हो जाएगा। लेट सपोज अगर मैं सिर्फ आखन सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ 21 कोर्सेज हैं मास्टर्स लेवल पे, जो इंग्लिश में कम्प्लीटली आखन में टॉट हो रहे हैं, आखन में सिटी में। तो सिटी वाइज भी आप फिल्टर आउट कर सकते हैं और भी तमाम चीजें इस तरह की ना। तो लेट सपोज अगर मैं इसी ऑप्शन से सिटी वाइज अपनी यूनिवर्सिटी देखता हूँ, जैसे वो हमारी यूनिवर्सिटी है कोबलेंस में, तो यहाँ से जाके मैं सीधा कोबलेंस पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस मतलब टोटली इंग्लिश बेस में अभी कोबलेंस में करंटली इसमें कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि शायद समर और विंटर का चेंज हो, ठीक है? तो इस तरह करके आप ना थोड़ा बहुत अपना सर्च को फिल्टर कर सकते हैं। अब लेट सपोज मैं इसमें चला जाता हूँ, एक कोर्स है, सब्जेक्ट हमारा इंजीनियरिंग ही था, तो ठीक है, तो इसमें मैं इसमें चला जाता हूँ, लेट सपोज एडवांस मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर एनर्जी। तो ये बर्लिन में ऑफर हो रहा है, TU बर्लिन, ठीक है? तो इससे आपको सारी यहाँ पे कोर्स विंडो पे नजर आ रही है, ठीक है? तो इंग्लिश इसका मॉड्यूल यहाँ पे आपको टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश मिल जाएगी, कितने ड्यूरेशन का कोर्स है, समर सेमेस्टर है कि विंटर सेमेस्टर है, तो ये बिगिनिंग में पता चल जाता है, ठीक है? तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है। इसमें देखो ट्यूशन फीस भी लिखी हुई है, ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर है 5,000 यूरोज, ठीक है? और बाकी फिर इस तरह की इसमें और चीजें भी हैं, यहाँ पे आपको कोर्स का वो मिल जाएंगे कि कोर्स कोऑर्डिनेटर कौन है, या आपको ईमेल किस तक किसको करनी है। तो ये जो मैं बात करता हूँ ना कि आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट भेजनी है, वो आपको इस टैब से यहाँ पे मिलेगी, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है। तो ये मैंने एक सिंपल एक कोर्स खोला हुआ था, तो ये तो हो गई सीधा डार्ट के किस तरह सर्च करते हैं। बाकी ये है कि यूनि असिस्ट का सिंपल है, आप गए यूनि असिस्ट की वेबसाइट पर, इनकी वेबसाइट पे पहले ही वाली लिंक खुली, unisys.de, ये भी इनका भी नया पोर्टल है, ठीक है? तो इस पे ये है कि
आप गए, इसमें लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इसमें क्लिक किया आपने और ये सारा गो टू द ऑनलाइन पोर्टल ले जाओ जाएगा, या फिर बाकी चीजें इसमें थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या चीजें किस तरह हैं। लेट्स सपोज आप चले गए टू द ऑनलाइन पोर्टल, तो वो आपको असल वेबसाइट पे गाइड करेगा, दिस इज बेसिकली व्हाट इज यूनी असिस्ट इज। तो यूनी असिस्ट में ये होता है कि लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, कॉन्टेक्ट फॉर्म, कंडीशंस, ये डिफरेंट इनके टैब्स हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे क्योंकि आप बिल्कुल नए, या आप फॉर्म फिल करें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थडे, नेशनलिटी वगैरह, तो यूनी असिस्ट एप्लीकेशन नंबर वो आपको खुद असाइन करेंगे, या तो ऑलरेडी आपके पास है, जैसे मेरे पास था ऑलरेडी, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे तो कैरियर रजिस्ट्रेशन से आप इसमें रजिस्टर हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक है ये। ये मेरी खुद की प्रोफाइल है, तो मैं दिखा देता हूँ जब मैंने अप्लाई किया था तो किस तरह यूनिवर्सिटीज को मैंने सर्च आउट किया था। तो दिस इज प्रोफाइल, व्हाट दिस इज द प्रोफाइल व्हाट आई हैव बिल्ट हेयर। तो उसमें ये है कि देखें, इसमें तीन चार चीजें होती हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, सर्च फॉर स्टडी प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन होती है, अपलोड एंड मैनेज फाइल्स होती हैं। तो एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे तो आपकी करंट एप्लीकेशन आ रही होंगी जो आपने खुद फाइल की होंगी, जैसे मेरी तीन चार यूनिवर्सिटीज थी, वाइमार में किया था मैंने अप्लाई, रोस्टॉक में किया था और इसमें किया था, तो यूनिवर्सिटी है नॉर्डाउन में, नॉर्डहाउसन में, ठीक है। तो ये तीन चार मेरे पास उस टाइम थे ऑप्शंस, तो मैंने अप्लाई किया था। तो मेरा दो में सिर्फ हुआ था, ये फर्स्ट वाली में और सेकंड वाली में, और सेकंड वाली में खुद पढ़ रहा हूँ मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो ये एक है, दूसरा है अपलोड एंड मैनेज फाइल्स। तो ये सारी मेरी फाइल्स हैं जो मैंने अपलोड की थी। इस सेक्शन में ये होता है कि आपने अपनी फाइल्स सारी अपलोड करनी होती है, पासपोर्ट से लेकर बैचलर्स डिग्री, हायर सेकेंडरी, एवरीथिंग, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, व्हाट एवर यू हैव, वो सारे आप यहाँ अपलोड करते हो, ठीक है। और सबसे अब मेन चीज पे आते हैं, सबसे मेन चीज है इसमें आपकी सर्च फॉर स्टडी प्रोग्राम। तो उसमें ये है कि आप लेट्स सपोज ये विंटर सेमेस्टर 2018 का आपने कोई प्रोग्राम सर्च करना है, तो आपने सबसे पहले विंटर सेमेस्टर चूज किया, चूज योर इंटेंटेड ग्रेजुएशन, लेट्स सपोज मास्टर्स चूज कर लिया आपने, और इधर पे आपने फिर यूनिवर्सिटी चूज कर ली जो वो कोर्स ऑफर कर रही है। लेट्स सपोज मैं पसाओ चूज कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपका ये होता है, ये भी कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि इसको फिल्टर आउट करें ना करें, इस वाले ऑप्शन को चूज ना करें, डजेंट मैटर, ठीक है। और इसके आप करते हैं स्टार्ट सर्च। ये आपको देखो यूनिवर्सिटी ऑफ पसाओ के सारे जो भी कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, जैसे मोबाइल एम्बेडेड है, कम्युनिकेशन है, इस तरह की चीजें हैं, ये सब यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन में लेट सपोज आप चले गए और इसमें आपको बताएगा कि कौन से सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना है, तो हमेशा फर्स्ट सेमेस्टर ही चूज करें और क्रिएट एप्लीकेशन कर दें, ये विंटर सेमेस्टर की एप्लीकेशन है। तो इसके बाद देखो वो आपको ले जा रहा है टू द नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पे फिर आपने चीजें फिलअप करनी है, एजुकेशन क्या है, लोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन आप कौन सी दी, ये आपको पहला पहला सबसे ज्यादा बैचलर्स, फिर आपका जाता है इंटर, फिर आपका मैट्रिक, इस तरह करके आप दो या तीन स्टडी आप करते हो, ठीक है। जैसे ये तो इसमें तो आपको क्या है, स्टडी इन जर्मनी यूनिवर्सिटी कॉलेज, आई थिंक इसमें तो आपको फिलिंग करने की जरूरत नहीं है। आउटसाइड जर्मनी जो आपकी फिलअप है, जैसे मेरी यहाँ पे बैचलर्स फिलअप है, मैंने फिलअप की हुई है, तो वो चीजें देख लें आपने। और कोई एक्टिविटी आपकी है तो यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं, इस तरह आप करके इसको नेक्स्ट करेंगे, ये आपकी एप्लीकेशन क्रिएट होती है, ठीक है। हर सेमेस्टर के लिए आपने अप्लाई नहीं करना, तो आप उस पर चले गए सीधा नेक्स्ट स्टेप पर। और यहाँ पर आपको होता है फाइल्स, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है ना कि फाइल्स सबमिशन के, उस यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली कौन सी फाइल्स आपको चाहिए, तो वो आप इसमें यहाँ पे टिक आउट करके मार्क आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इससे, और उस कैटेगरी में फिर आप और भी मजीद फाइल अपलोड कर सकते हैं। उसको आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी फाइल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट हो जाएगी, लेकिन इट वॉन्ट बी कंसिडर्ड, बिकॉज जब तक आप उसको बाय पेपर ना भेजेंगे, बाय पोस्ट ना भेजेंगे, उसकी फाइल्स अटेस्ट करवा के, वो सारा मैंने प्रोसीजर सारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तब तक वो आपकी कंसिडर नहीं होगी। तो ये था यूनि असिस्ट बेसिकली, और इसके बाद मैं एक और सेशन बनाता हूँ, उसमें आप मजीद फिर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।